दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रोजगार पर आधारित। काफ़ी सारे ऐसे युवा आज के समय में बेरोजगार घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे जगह पे जा कर के छोटी छोटी नौकरी करते हैं, 8,000-10,000 रुपये की नौकरी करते हैं। उन लोगों के लिए एक बेहतर सुनहरा मौका है, और आज की इस वीडियो में मैम से हम बातचीत करेंगे और कई सारे रोज़गार के लिए यहाँ पर मशीनें उपलब्ध हैं। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ फूड मार्क एग्रो इंजीनियरिंग जो पटना में है, और मैम बताइएगा कि यहाँ का लोकेशन क्या है और कोई भी यहाँ पे आना चाहे तो कैसे आ सकता है। पहले नमस्कार सर जी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कंपनी को विज़िट करना आना है तो आपको बिहार का पटना जिला का नंदलाल छपरा जो कि 0 माइल से 3 किलोमीटर का डिफरेंस पे पड़ता है मीठापुर की तरफ, और अगर कोई जक्शन से आना चाहता है तो जक्शन से वो सीधे ऑटो लेके और हमारा भूतनाथ आ जाएगा, और भूतनाथ से हमारे यहाँ आ जाएगा। काफ़ी मेन बाईपास पे है सर, तो आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई थिंक सो काफ़ी मतलब ऐसे जगह पे है कि आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं जी। मैम एक हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मधु सिंह हुआ, मैं मधु सिंह फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में, बस आप लोगों के लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ और रोजगार के नए नए साधनों के लिए आप लोगों की सेवा में यहाँ बैठी हुई हूँ जी। मैम काफ़ी सारे आज के समय में बेरोजगार युवा हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको मौका नहीं मिल रहा है कि कुछ करें, तो यहाँ पे जो लोग अगर आना चाहेंगे तो किस तरीके से कौन सा मशीन लेकर के वो खुद का स्वरोजगार अपना सकते हैं और एक बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं। सर अगर बेरोजगार हैं और करना चाहते हैं कुछ, क्योंकि सर क्या है ना कि आप सिर्फ बेरोजगार हैं और कुछ करना चाहते हैं ये सोचना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्हें मन में ठानना भी होगा, क्योंकि सिर्फ वही हैं जो मेहनत कर सकते हैं, उनके बदले मेहनत हम नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, और गाइड करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और यहाँ आके अगर वो नहीं कुछ भी तो सिर्फ 12,000 का अगर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ 12,000 का इन्वेस्टमेंट करके महीने का 10,000 तो इजीली कमा सकते हैं। मतलब कि अगर जो लोग बाहर बिहार से बाहर जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है, सिर्फ 12,000 की इन्वेस्टमेंट से अपने घर से स्वरोजगार अपना सकते हैं। जी सर एकदम, आपका घर है तो घर में स्पेस इतना होता है कि आप घर में एक छोटा सा रोजगार कर सको। जी जी। तो आप एक 12,000 की छोटी सी मशीन ले जाके अपने घर में स्टार्ट कर दीजिए, और उससे थोड़ा, हाँ मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हाँ आप पहला महीना दो महीना तीन महीना तक आप वो अर्निंग नहीं कर सकते हो जी जी। लेकिन 2 महीना या 3 महीना बाद अगर आपने कड़ी मेहनत की तो महीने का 10,000 आने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा चीज़ हमको क्या लगा मैम कि इन्वेस्टमेंट भी कम है, काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में अपना स्वरोजगार अपना सकते हैं। जाहिर सी बात है सर, हमें तो लगता है कि जो युवा बाहर जाते हैं महाराष्ट्र हरियाणा पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वो लोग हमको नहीं लगता कि 8-10 हज़ार से ज़्यादा के महीने पे जाते होंगे, नहीं कमाते होंगे, और बहुत सारी जगह पे खर्च भी होता है ना मैम वहाँ पे। ऐसी बात है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, उसके बाद फिर अपने परिवार से दूर रहते हैं तो फैमिली के लिए भी उनको स्पेयर करना पड़ता है। खुद का 10,000 में खुद का खर्चा तो उठता नहीं आज के ज़माने में, उसके बाद फैमिली के लिए अलग से भेजो, एक किराए का रूम भी लेते हैं तो 1,000 से 2,000 रुपया सिंगल में लेता है, कि आप 2 आदमी 3 आदमी मिलकर ले रहे हो तो 1 आदमी पे 1,000 रुपये पड़ता है, खाने पीने का खर्चा आपका 2-3 हज़ार, तो 10,000 की आमदनी में अगर 5,000 रुपये आप इधर ही उड़ा दे रहे हो तो फिर घर पर क्या दे पाते हो। उसके बाद अगर घर में अचानक कोई परेशानी हो गई, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो आप अचानक आ नहीं सकते जी बिल्कुल। तो एक सिर्फ 12,000 की मशीन लगा के अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, आप दूसरे के अंडर भी वही काम करते हैं, वही काम करते हैं, अपना खुद से अगर घर से स्वरोजगार अपना अगर स्टार्ट करें तो एक बेहतर आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। मैम ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सा मशीन अवेलेबल है, और जो लोग भी अगर करना चाहते हैं अपना खुद का स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं तो कौन कौन सा मशीन लेकर के यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं वो अपना। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ 12,000 से मशीनें स्टार्ट है, 12,000 से लेकर लाखों तक की मशीन है सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 12,000 का सैंडविच ग्रिल मशीन है, मैनर पेपर प्लेट है, पापड़ मशीन है, पॉपकॉर्न मशीन है, कैंडी फ्लॉस है, चिप्स है, नमकीन है, नोटबुक है, पेपर प्लेट है, हर तरह की मशीन है सर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है,
पलपड़ यानी सॉस बनाने वाली मशीन है, आटा चक्की मशीन है, यानी फूड मार्ट मेरी कंपनी का नाम, मतलब हमारी कंपनी का नाम है फूड मार्ट। इट मीन्स कि फूड से रिलेटेड आपको जितने तरह की मशीनें चाहिए वो सब हम यहाँ अवेलेबल करते हैं। मतलब कि आप खुद से जिस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उस तरीके का आप यहाँ से स्वरोजगार मशीन लेकर के कर सकते हैं। मैम एक बताइए कि कोई भी युवा आज के समय में अगर अपना स्वरोजगार अपनाना चाहे तो जैसे क्या कौन सा मशीन लगाना चाहिए उसको ज़्यादा बेहतर होगा, उसके लिए एक अच्छा खासा वो प्रॉफिट कमा सकता है, जो बड़े स्तर से काम करना चाहेंगे जो मध्यम वर्ग के लोग होंगे वो अगर करना चाहेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं? सर मशीन तो हर तरह की होती है, हमारा जो ये भारत है ना बहुत बड़ा जगह है, मतलब बहुत बड़ा देश है जी जी। और उतनी ही आबादी है, जानते ही हैं कि भारत आबादी में टॉप मोस्ट पे है। बिल्कुल, तो आबादी है तो जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लोगों को ज़रूरत भी है, बशर्ते क्या हम लोग वो ज़रूरत नहीं दे पा रहे। आप सिंपल सा एक ले लीजिए चिप्स मशीन, हम एक सिंपल बात करते हैं, तो सबसे पहले जो कोई ब्रांड आया चिप्स का, चाहे वो लेज हो चाहे बिंगो हो चाहे जो हो, अगर पहला ब्रांड आया तो क्या पहले ही लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था? बिल्कुल नहीं, वो भी तो सोचा होगा कि मैं ये ब्रांड बना के बेच रहा हूँ, ₹5 में मैं 10 ठो देता हूँ, और वहाँ ₹5 का अगर नॉर्मल आप चिप्स कहीं से खरीदते हैं, मतलब चिप्स दुकान से वगैरह या फिर किसी भी भुजा वुजा दुकान से खरीदते हैं, तो अच्छा खासा ₹5 का चिप्स देता है उसके बदले, या फिर घर में हमारे बिहार की औरतें या भारत की औरतें मतलब मोस्टली घर में पापड़ चिप्स तो बना ही लेती हैं, तो ये सब करने के बाद भी वो क्यों लेज सिर्फ 4-5 पीसेस के लिए ₹5 का एक अमाउंट लेके और मार्केट में उतर गया? उसको डर नहीं था? डर सबको रहता है सर, सबको डर है, लेकिन वो मेहनत करने के लिए हाँ, लेकिन कर रहा है, ठान लेना होता जी, है, ठान लेना पड़ता कि है कि हम करेंगे। आज हमारे पास हर तरह की मशीन है, अगर किसी को बिस्किट बनानी है तो बिस्किट मशीन है, अगर किसी को पाव रोटी बनाना है, ब्रेड बनाना है तो वो मशीन है, किसी को अगर नमकीन बनाना है, सेव बनाना है, कुरकुरे बनाना है, आप हर तरह की मशीन ले जाइए। अगर आप लाखों का प्लांट बैठाना चाहते हैं तो आप लाखों का मशीन ले जाइए, अगर नहीं है तो सिर्फ 10,000 का मशीन लेना है तो 10,000 के मशीन के लिए आइए, आइए देखिए सोचिए समझिए और कुछ करने का सोचिए, उसके बाद अपना स्वरोजगार कीजिए। मैम एक बात बताइए कि इन सारे मशीनों को लेकर के कोई भी युवा अपना स्वरोजगार करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको मन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या लाइसेंस की भी जरूरत पड़ता है? हाँ जी, तो लाइसेंस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन सा लाइसेंस लेना होगा और कैसे कितने दिनों के बाद लेना होगा? सर क्या होता है कि ये लघु उद्योग के अंदर आता है, जनरली जो मशीन होती हैं वो लघु उद्योग के अंदर आता है, जैसे कि अगर कोई सिलाई सेंटर खोलता है तो क्या वो लाइसेंस लेके बैठता है? नहीं, क्यों, वो भी तो काम कर रहा है, छोटे स्तर से काम कर रहा है, बस यही है। अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, अगर 15-20 हज़ार का कोई एक मशीन लगा के आप घर में स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोकल में कर रहे हैं तो उतना इस लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कोई भी बिजनेस बिजनेस होता है, अगर आप डेवलप कर रहे हैं उस बिजनेस में, अगर आपको लग रहा है कि ये बिजनेस मैं और फैलाऊंगा तो आप लाइसेंस बनाइए, आपको GST नंबर चाहिए GST नंबर बनाए, और आपको इन सब बनाने में अगर हमारी हेल्प चाहिए तो हम वो बनवा भी देते हैं, लाइसेंस GST नंबर जो भी चीज़ों का जरूरत पड़ता है, जितना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इवन कोई अगर बैंक से लोन करवाना चाहता है तो कोटेशन चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, वो सारी सुविधा यहाँ से हम लोग देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कुछ भी सोचना नहीं है, आप बेफिक्र होकर के यहाँ पे आइए और देखिए समझिए, मैम से जानकारी ले लीजिए और उसके बाद अपना शुरुआत कर सकते हैं। मैम एक बात बताइए कि काफ़ी सारे महिलाएँ भी आज के समय में बिजनेस की तरफ ध्यान दे रही हैं, तो क्या जो गाँव में जो छोटे छोटे लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो लोग भी इस तरीके का मशीन लेकर के अपना खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं? हाँ जी ज़रूर, हम तो कहेंगे कि ये ऐसी ऐसी कुछ कुछ मशीनें होती हैं जो सिर्फ औरतें ही चला सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पापड़ मशीन है, 30,000 की एक पापड़ मशीन है सर, उसमें आप घंटे में लगभग 5,000 पीसेस बना सकते हो, एक दिन अगर आराम से 2-3 घंटा लगा दो तो 5,000 पीसेस तो आराम से निकाल लेते हो। पापड़ का पैकेट मार्केट में आप देख ही रहे हैं, लिज्जत है, राजस्थानी है, बहुत तरह का है, इसके अलावा भी लोकल पापड़ चलते हैं मार्केट में जो ₹10 में 8 पीसेस देता है, छोटा 9 इंची का पापड़। मैम अभी उस का ₹15 तक का दाम हो चुका है, ₹20 तक का दाम हो चुका है, तो ये सब पापड़ कैसे बनता है? घर में औरतें ही तो बनाती हैं, या फिर और भी बहुत सारे, जैसे चाउमीन हो गया, चाउमीन का मशीन है तो चाउमीन बनाना है तो वो मशीन भी ऑटोमेटिक होता है, तो आराम से औरतें ऑपरेट कर, मतलब ये आसानी से ये सब सेल हो सकता है, बहुत आसानी से। सर मैंने क्या बताया, भारत हमारा बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत सारे लोग हैं और सबका कुछ ना कुछ डिमांड है, और भारत तो खाने के लिए भी जाना जाता है ना,
हम लोग खाद्य प्रिय बहुत है, मतलब खाना हम लोग को बहुत पसंद है जी जी। तो जाहिर सी बात है मार्केट में उतना उतर नहीं पाता क्योंकि सब तो मशीन ले नहीं सकते हैं। कुछ लोग मशीन लेंगे तो कुछ लोग उनके अंदर भी तो काम करेंगे, तो इसीलिए वैसा कंडीशन आता है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर मार्केट में उतरने का हिम्मत है, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ उतार चढ़ाव होता है, रिस्क लेना होता है, आप अगर रिस्क ले रहे हैं देन वेलकम, मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैम एक और चीज़ बताइए कि कोई भी अगर खुद का अगर स्वरोजगार अपनाना चाहता है, अगर छोटे स्तर से जो महिलाएं करना चाहेंगी तो उनको कितना जगह का ज़रूरत होगा, क्योंकि ये सवाल तो मन में उनको उठेगा ही कि कितना जगह का ज़रूरत होगा, हमारे घर में कितना जगह है, तो अगर घर से शुरुआत करना चाहेंगी तो कितना जगह का ज़रूरत होगा ये बताइए। सर बहुत छोटे बिजनेस के लिए 10x10 का रूम बहुत होता है। अगर आपके घर में एक रूम खाली है तो आप उस एक रूम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे पहले अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है अगरबत्ती बनाने का, पहले के लोग हाथ से अगरबत्ती बनाते थे, अब लोग मैन्युअली ले जा रहे हैं जी जी, तो ऑटोमेटिक भी है, तो जो ऑटोमेटिक अफोर्ड नहीं कर सकते वो मैन्युअली ले जाते हैं। स्लीपर है, स्क्रबर पैकिंग है, बहुत तरह की मशीनें हैं। सर मशीनों का तो नाम लूँ तो यहाँ पे ख़त्म ना हो जी जी। मेरे पास इतने तरह की मशीनें हैं कि अगर कोई जानना भी चाहे कि आप कौन सा मशीन दे रहे हैं तो उसे मैं ये ना बता पाऊँ कि आप कौन सा मशीन लीजिए। मुझे पूछना पड़ता है कि सर आपका बजट कितना है, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताइए मैं आपको मशीन दे रही हूँ। इस तरह से होता है। जैसे कि अभी गर्मी का टाइम आ रहा है सर, तो गर्मी में आइसक्रीम बहुत ज़रूरी होता है जी, बिल्कुल बहुत चलता है। जूस हो गया, गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, तो आप देखते होंगे ना गन्ने का जूस बड़ा सा वो ठेला पर रख के टन वाला लेके घूम रहा है जी, और उसको पेरता है उसी से। हमारे पास बहुत छोटी सी एक मशीन है गन्ने के जूस की, उसको आप मतलब छोटे स्तर से भी कर सकते हैं, कहीं भी छोटा सा मशीन है, आप कहीं भी लगा करके काम कर सकते हैं आराम से। इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है, कहीं लगा लिया और उसमें ऑटोमेटिक है सर, उसमें हाथ से आपको मेहनत भी नहीं करना है, बस गन्ने डाल दिए वो जूस निकाल के दे दे रहा है जी। दोस्तों कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो पाउच पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, मैम मशीन से जूस निकाल करके पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। हाँ जी, और वो पैकेजिंग मशीन भी यहाँ से अवेलेबल हो जाती है। एक और चीज़ मैम आपसे जानना चाहेंगे कि रॉ मटेरियल की बात आएगी, रॉ मटेरियल कैसे लेंगे और कहाँ से लेंगे, जो लोग मशीन लगाएंगे तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, जैसे ही उनका ख़त्म होगा पहला रॉ मटेरियल तो उनका फिर दोबारा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो कैसे वो कहाँ से लेंगे रॉ मटेरियल? देखिए सर ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग मशीन कहीं से ले लेते हैं, 2 रुपया कम के लिए लोग बिहार के बाहर तक चले जाते हैं मशीन लेने जी जी। लेकिन सिर्फ एक मशीन लेने से नहीं होता है, आप एक बार मशीन लिए तो रॉ मटेरियल लिए, सेकेंड टाइम रॉ मटेरियल लिए आपको नियर बाई ही जगह देखना होता है, तो आपको वैसा नहीं करना होगा। हमारे पास से अगर आप मशीन लेते हैं तो आपका बिजनेस लाइफ टाइम जब तक चलेगा तब तक रॉ मटेरियल देने की गारंटी मेरी है। मतलब रॉ मटेरियल भी यहाँ पे मिल जाएगा? हाँ जी, रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। आपका बिजनेस भले आप थक जाएं, आप छोड़ दें, आप सोचें कि अब मैं नहीं करूँगा, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ से ये चीज़ कभी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आप जब तक चाहिएगा तब तक आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। मतलब बेफिक्र होकर के खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़े तो रॉ मटेरियल भी यहाँ से आप ले सकते हैं आ करके, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र होकर के अपना खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आगे भी हम इसी तरीके का वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके मैम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।